बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को दोबारा से देखते हैं, एक दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने पहले इस क्वेश्चन को कैसे किया था, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, पी ई दिया हुआ था और पी क्यू का मान दिया हुआ था, इसी तरह से पी एफ का मान दिया था और पी आर का मान दिया था। लेकिन जो हम थ्योरम यूज करते हैं उसके हिसाब से अनुपात हम क्या लेते हैं, पी ई बटे में क्यों बराबर है पी एफ बटे में एफ आर। तो इस अनुपात को लेके हम चेक करते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है। इसमें हमने क्या किया था कि पी क्यू में से पी ई माइनस करके ई क्यू का मान निकाला था और उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसको एक और तरीके से देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है ए बी सी और डी ई, डी ई बी सी के समांतर है, डी ई समांतर है बी सी, और रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या कि एडी बटे में ए बी, एडी बटे में ये पूरा ए बी बराबर है ए ई, ए ई बटे में ये पूरी ए सी। तो ये रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी, उसको आगे विस्तार कर दिया गया है, जो हमारी आधारभूत समानुपातिकता परिमेय है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है। अब कह रहे बच्चों देखो हुआ कैसे है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब क्योंकि डीई समांतर है डीसी के, तो हम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का यूज करके क्या लिख सकते हैं कि एडी बटे में डीबी बराबर है किसके, एई बटे में ईसी, लिख सकते हैं। हमने इनके विलोम कर दिए, जब ये बराबर है तो इनके विलोम भी बराबर हो जाएंगे कि DB बटे में AD बराबर है EC बटे में AE। क्या किया, इनके विलोम कर दिए। अब इन विलोम में हमने क्या किया, 1-1 प्लस कर दिया, DB बटे में AD प्लस 1, EC बटे में AE प्लस 1, इधर भी 1 प्लस कर दिया और इधर भी 1 प्लस कर दिया, बाकी का पार्ट यहां कर रहे हैं हम। इसमें जो एलसीएम आया वो एडी हो गया, एडी यहां पे 1 लगा लो आप, यहां पे भी 1 लगा लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा डीबी प्लस एडी, एडी। इसी तरह से यहां पे देखो क्या होगा, इसका जो एलसीएम है वो एई है, यहां पे हमारे पास क्या है ईसी प्लस ए बच्चे। इसको आप ध्यान से देखो, डीबी ये रहा डीबी प्लस एडी, तो डीबी और एडी को प्लस करेंगे तो पूरा एबी बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम एबी बटे में एडी। इसी तरह से ईसी, ईसी और एई, एई इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा एसी बन जाएगा, एसी बटे में एई, और इसका एक बार फिर से विलोम कर दिया, ये हो जाएगा एडी बटे में एबी बराबर है एई बटे में एसी। तो ये हमारे पास जो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय है उसकी एक और एक्सटेंशन आ गई, क्या कि हम इसके बटे में ये, इसके बटे में ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके बटे में ये पूरी साइड और इसके बटे में ये पूरी साइड ये भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये जो हमने प्रूफ किया है ये हमारा अगले क्वेश्चन के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा एक्सरसाइज के लिए जो पहले एग्जाम्पल दिए होते हैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जो हमने ये प्रूफ किया है, तो अगले क्वेश्चन में भी ये हमारे काम आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास पीई दिया हुआ है, पीई बटे में, पीई बटे में पी क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू और पी एफ
आर लिख सकते हैं पी आर, क्योंकि क्या है ई एफ हमें तो क्या कर रहे हैं अनुपात निकालने हैं। अगर ये अनुपात बराबर आ गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये समांतर है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो पीई पीई है हमारा 0.18 बटे में पीई, और पी क्या हुआ हमारा 1.28, इधर से पी एफ 0.36 बटे में यह है हमारे पास 2.5। अब देखो दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव, तो ये तो हम कैंसिल कर लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 18/128 और 36/256। आपकी मर्जी किसी भी तरीके से कैंसिल कर सकते हो, इसको इसके साथ भी कैंसिल कर सकते हो, इसको इसके साथ भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक इसी तरह से इसको इसके साथ भी। अब देखो कितना ईजी है, 18 × 18 = 36, 128 का डबल 256 होता है, तो 128 × 128 = 256, तो 1/2 = 1/2। अब देखो आप अनुपात बराबर आ गया, तो अगर अनुपात बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई एफ समांतर हो जाएगी क्या वो आर की। तो मेरे बच्चों ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो कि आपको कहीं मान लो आपसे ये पूछ लिया गया, इसको और थोड़ा सा अगर हम एलोबरेट करें कि इस तरह से जैसे हमसे इसको हम थोड़ा सा अब सपोज करो का मान निकालो, कब जब ई एफ समांतर है क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे। अब देखो इसका पूरे का मान निकालना है, इस पूरे का मान निकालना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि पी ई बटे में पी क्या बराबर है पी एफ बटे में पी आर। अब पी ई का मान कितना है 2, पी क्या का मान हमें निकालना है तो एक्स मान लिया, पी एफ कितना है 3 और पी आर, पी आर भी दिया हुआ है एफ आर दिया हुआ है, तो पी आर क्या बन जाएगा, पी आर हमारा ये और ये दोनों प्लस करके आ जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3x r/2 तो 3x = 16, तो x = 16/3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जो चीज पूछा जाए और जो जो चीज गिवन है उसमें क्या संबंध है। अब आप क्या यूज करना चाहें, आप पीई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर यूज करना है आपको, या फिर आपको पीई बटे में पी क्यू और पी एफ बटे में पी आर ये यूज करना है, ये आपने डिसाइड करना है कि जो डाटा आपके पास, जो डाटा आपके पास गिवन है और जो आपको निकालना है उसके बेस पे कौन सा आप यूज कर सकते हो, लेकिन अप्लाई दोनों ही कर सकते हो। जैसे हमने देखो सेकंड के थर्ड पार्ट में उसको पहले सिंपली किया, अब इसको दूसरे तरीके से किया, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपने ये प्रूफ किया है वो सारा वहां पे यूज होना है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि आकृति 6.18 में यदि यह आकृति दी हुई है हमारे पास जिसमें LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, तो हमें सिद्ध करना है
एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी और ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको तो जो चीज गिवन है उसको यूज करना है। अब आप देखें इसके हल में, देखें एल एम समांतर है सी बी के, क्योंकि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसके समांतर है समानुपात में विभाजित करेगी। यहां से हम लिख देंगे ए एम, देखो ये इसके समांतर है, एंगल हमारी ये वाली होगी, एंगल तो हमारी ए बी सी है, तो एल एम समांतर है सी बी के, तो समानुपात में विभाजित करेगी। ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी बराबर है हमारे पास ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी। आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या फिर आप पूरा लिख दें कि आधारभूत समानुपातिकता परिमेय द्वारा। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो इस एंगल में ए सी डी में क्या होगा, ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी, इसके बाद होगा ए एन बटे में एन डी, ए एन बटे में एन डी। ये भी हमारे पास क्या हो गया, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय द्वारा या फिर थेल्स परिमेय, थोड़ा छोटा रहेगा तो आप लिखना चाहें तो यहां पे थेल्स परिमेय द्वारा। ठीक है, सही कर लेना दोनों, ये सिर्फ आपके लिए है, जो आप दो, आपको दोनों में से ठीक लगे, या तो दोनों जगह आधारभूत समानुपातिकता परिमेय द्वारा लिख लें या फिर थेल्स परिमेय द्वारा लिख लें। तो ये हमारे पास समीकरण दो हो गया। तो समीकरण एक और दो को हम देखें, तो समीकरण एक और दो से आप इसको ध्यान से देखें, देखो ए एम एम बी, ए एल एल सी, ए एल एल सी, ए एन एन डी, देखो ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये दोनों भी हमारे पास बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एम बटे में एम बी किसके बराबर आ गया, ए एन बटे में एन सी एन डी। यहां पे पहुंच गई, लेकिन जो प्रूफ करना वो नहीं है हमारे पास। देखो ए एम बटे में एम बी और ए एन बटे में एन डी, लेकिन प्रूफ क्या करना है, ए एम बटे में ए बी पूरा और ए एन बटे में ए डी, ये हमें प्रूफ करना। तो यही पिछला पार्ट, पीछे हमने एग्जाम्पल वन था, जो हमारा उदाहरण वन था, उसको प्रूफ किया था, तो उसी तरह से करेंगे हम। क्या कर लेते हैं, इसका विलोम कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, एम बी बटे में ए एम और इधर एन डी बटे में ए एन, इनका विलोम कर लिया। जब ये बराबर है आपस में तो इनके विलोम भी बराबर होंगे। अब इसमें दोनों तरफ वन प्लस कर लिया, इधर भी और इधर भी। अब आप इसका एलसीएम ले, इधर एलसीएम आ गया ए एम, ये हो गया एम बी प्लस ए एम, और इधर एलसीएम आ गया ए एन, ये हो गया एन डी प्लस ए एन। अब फिर वही बात, ध्यान से देखो एम बी और ए एम, एम बी और ए एम इनको जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिल जाएगा हमें, ए बी मिल जाएगा बटे में ए एन, और एन डी और ए एन, एन डी और ए एन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी मिल जाएगा, ए डी बटे में ए एन। अब जो हमें प्रूफ करना है वो इसका विलोम है, तो एक बार फिर इसका विलोम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसके लिए आपको दोनों तरह के अनुपात से क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सीधी डायरेक्ट पूछे।
डाटा थोड़ा ट्रिकी डाटा देके आपसे पूछ सकता है, तो आपको सारे अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए और उस एग्जाम्पल को भी अच्छी तरह से करना है आपको जो एग्जाम्पल फर्स्ट है। और ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें यहां से वो एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट हो गया दोबारा से, उसका हमने प्रूफ कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर जो फोर है हमारा बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है कि आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के और DF समांतर है, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, तो AE को भी हमें मिलाना पड़ेगा, AE को भी हम मिला देते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि BF बटे में FE बराबर है BE बटे में EC। तो आपको समांतर का कॉन्सेप्ट यूज करते रहे, जो हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है उसका प्रयोग करें। अब आप देखें DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, ये DE और ये AC, तो ट्रायंगल हम ABC ले लेते हैं। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, इसलिए DE समांतर है AC के, तो इस वजह से एक तो ये होगी DE और ये AC होगी, तो ये पॉइंट बचा हमारे पास, तो BD बटे में DE बराबर है, दूसरा हमारे पास DE है, तो BE बटे में EC, BE बटे में EC। यहां पे समीकरण एक लिख देते हैं, और कैसे थेल्स प्रमेय द्वारा यह हमने यूज कर लिया। अब दूसरी बात, इसी प्रकार दोबारा से देखें, DF समांतर है AE, DF ये रहा और AE ये रहा, तो ये ट्रायंगल यूज हो जाएगी ABE, त्रिभुज ABE में क्या है हमारे पास, DF समांतर है AE के, इसलिए इसी प्रकार क्या बनेगा, DF समांतर है AE के, तो ये पॉइंट यहां पे है, तो हम लिखेंगे BD बटे में DA, BD बटे में DA बराबर है, देखो ट्रायंगल ये है हमारे पास, तो BF बटे में FE, तो ये समीकरण दो हो गया, ये भी थेल्स प्रमेय द्वारा आप लिखते हैं। अब समीकरण एक और दो द्वारा, समीकरण एक और दो से अब आप देखेंगे BD बटे में DA बराबर है BE बटे में EC। यहां पे देखो BD बटे में DA दोनों एक जैसे तो है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि BE बटे में EC बराबर है BF बटे में FE। अब जो यहां तक तो जो उसने दिया हुआ था, जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 का बेस है, मतलब उसने ये कहा था कि समांतर है तो समानुपातिक तो होंगी, तो सिर्फ हमने ये यूज करके उन दोनों को आपस में कंपेयर किया, तो यहां तक पहुंच गया। अब आप ये देख लें कि हमें प्रूफ क्या करना है, BF FE, BF FE है हमारे पास, BE EC, BE EC तो प्रूफ हो गया, ये तो आएगी आंसर ही आएगा, सिर्फ हमने जो समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय उसका प्रयोग किया है और आंसर तक पहुंच गया। तो आप उसको दोबारा से लिख दें, BF बटे में FE बराबर है BE बटे में EC, उसने पहले लिखा हुआ है, हम यह हमारा बाद में आया था, इसको हमने पहले x अगर y के बराबर है तो y भी तो x के बराबर है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया, हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। तो फिर बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर